हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक पे जो है सबको बेसब्री से इंतज़ार है। तो बात करने वाले हैं HDFC बैंक के अपग्रेडेड सुपर क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो मैं इस वीडियो में कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा, या मैं डेमो मैंने जो लाइव एक्सपीरियंस किया या कहीं से मैंने जानकारी ली वो सारी बताऊंगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, और जल्द ही क्रेडिट कार्ड आने वाले भी हैं। इस वीडियो में बात करते हैं कैसे मिलेंगे HDFC के नए सुपर क्रेडिट कार्ड, और क्या क्या फीचर्स बेनिफिट होंगे, और कब से आने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप ना करें, कुछ डिटेल मिस नहीं होगी। तो पहले बात करें HDFC के जो क्रेडिट कार्ड है उस पर RBI ने बैन लगा दिया था, क्योंकि उनका जो मेन पावर हब है वहाँ पर लाइट का कट हो गया था और बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए कस्टमर को नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो RBI ने इनको बोल दिया कि आप नए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते जब तक आपका इश्यू रिजोल्व नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत सारे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो इन्होंने इश्यू रिजोल्व लगभग कर दिया है। और जो HDFC का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है उसको एक फिनटेक कंपनी के हैंड ओवर कर रहे हैं, मतलब इश्यू सब यही करेंगे, एक फिनटेक कंपनी इसको मैनेज करेगी। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत अलग अलग फिनटेक कंपनियाँ भी मैनेज करती है। तो एक कंपनी को उन्होंने दे दिया है, कंपनी का नाम भी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसको दे दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये हो गया है, और अब आप देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर जिनको नए क्रेडिट कार्ड जो है उनकी लिमिट एनहांसमेंट मिलने लगी है, मैंने प्रूफ देखा है, पर उन्होंने किसी और का था इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकता। पर अगर आप फैमिली फ्रेंड में किसी के पास बहुत पुराना या बहुत टाइम से यूज़ करें HDFC का कार्ड, तो आप जाके चेक जरूर करें कि आपकी लिमिट एनहांसमेंट हुई है कि नहीं है। अगर आपको मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये भी एक साइन है कि HDFC का क्रेडिट कार्ड नए जल्द आने वाले हैं। और मैंने इनके ब्रांच में एग्जीक्यूटिव से भी बात की, तो उन्होंने नए रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट कर दिए। बैंक नए रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट करेगी, जब उनके पास एक प्रोडक्ट होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट जल्दी आने वाला है, तभी उन्होंने नए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किए। आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हो, इनके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ स्टाफ ने भी बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में क्रेडिट कार्ड आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिट एनहांसमेंट मिल रही है, नए स्टाफ को लिया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए, और उनका टाइप भी हो गया है। ये किसी स्टाफ का मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मेरे को डिटेल बताई थी, ये 100% जेन्युइन डिटेल है जो मेरे को पता चली है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि RBI जो बोलता है वही होता है, फिर भी ये मेरा चांसेस है, क्योंकि नए लिमिट मिलने लगे तो क्रेडिट कार्ड भी इशू हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली जल्दी। और ये क्रेडिट कार्ड कुछ सुपर नए रिवॉर्ड, नए फीचर्स, नए बेनिफिट के साथ आने वाले। तो आप जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं सारी डिटेल बताता रहूँगा। जब भी ये कार्ड आएंगे पहला वीडियो मैं आपको ला के दे दूँगा। बाकी की कोई अनबॉक्सिंग है, जैसे मनी बैग क्रेडिट कार्ड है, डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड है, उसकी अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं आई बटन से, जो पहले से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।